खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बोड़नपुर के गांधी शताब्दी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोयलसा के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि बीए एवं बीएससी एसडी व एमए में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। जो भी इच्छुक छात्र एवं छात्राएं महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो शीघ्र ही प्रवेश फॉर्म लेकर अपना दाखिला सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा, हमें बताते हुए खुशी हो रही कि हमारे यहाँ प्रश्नोत्तर स्तर पर 8 विषयों में मान्यता मिलने से यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए शहरों में रहकर पठन पाठन कर पाना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है, इसलिए उनकी समस्याओं को देखते हुए अभिभावकों की मांग को लेकर महाविद्यालय परिवार ने प्रश्नोत्तर की भी शिक्षा शुरू कर दी गई। महाविद्यालय द्वारा पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हिंदी, संस्कृति, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, प्राचीन इतिहास से प्रश्नोत्तर की कथाएं सुचारू रूप से चलाई जाएंगी। अनुशासन के महत्व के बारे में प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। अनुशासन राष्ट्र को महान बनाता है। इस महाविद्यालय में पठन पाठन के साथ साथ अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया जाता है। 30 सितंबर तक सभी छात्र अपना प्रवेश सुनिश्चित करा लें। बोड़नपुर आजमगढ़ से देवानंद गिरी की रिपोर्ट। आपके यहाँ प्रवेश प्रारंभ हो चुका है? हमारे यहाँ बी ए बी एस सी एम ए कई विषयों से पढ़ाई होती है, जिसमें बी ए बी एस सी एम ए का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है और ए प्रवेश 30 सितंबर तक चलेगा। अच्छा, पी जी आपके मतलब एम ए किन किन सब्जेक्ट? हमारे महाविद्यालय में पी जी दर्शन शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, भूगोल, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्राचीन इतिहास और गृह विज्ञान विषयों में है। कितने सब्जेक्ट हैं ये? 8 विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई होती है। अच्छा, स्नातक कब से है, मतलब बहुत पहले से है कि अभी जल्दी से? हमारे यहाँ फिलोसफी में, दर्शन शास्त्र में पीजी 85 से है जो एडेड है। अन्य विषयों में स्ववित्त घोषित में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई होती है और विगत 4-5 वर्ष पहले से स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई यहाँ पर चल रही है। ये तो छात्रों के लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि जो इनको सही है कि काफ़ी ये मतलब शुभ समाचार है। मैं खुद काफ़ी खुश हूँ कि हमारे यहाँ 8 विषयों में पीजी। अच्छा, और अगल बगल के महाविद्यालयों में शायद ऐसा नहीं है। अच्छा, आपके कॉलेज का अनुशासन और पढ़ाई यहाँ का सारी चीज़ें का जिले स्तर पे क्या पूरे पूर्वांचल में एक स्थान रखती है, तो क्या अभी भी वो चीज़ें कायम हैं कि उसमें कुछ गिरावट आई है? नहीं, मेरे महाविद्यालय ने काफ़ी प्रतिभाओं को उत्पन्न किया है और जो भी प्रतिभाएं यहाँ से निकली हैं वे नैतिक और अनुशासित होकर निकली हैं। इसमें कुछ आध्यात्मिक महापुरुषों का योगदान था। इस महाविद्यालय को खोलने में, शिलान्यास करने में बहुत देवराव की आध्यात्मिक शक्ति लगी और जिस व्यक्तित्व ने इसको खोला है अपना खून पसीना एक करके, वो तो स्वर्गीय प्रिंसिपल साहब श्री रमाशंकर सिंह जी, वो खुद कर्मयोगी थे। कभी आप चीफ प्रैक्टर हुआ करते थे इस महाविद्यालय के, उसके बारे में थोड़ी सी एक झलक डालिए कि क्या उस समय का दौर आज का दौर कुछ चुनौतीपूर्ण है कि बहुत सहजता से सारी चीज़ें चल रही हैं? ये परिस्थिति के हिसाब से देश काल के अनुसार सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। जब मैं चीफ डॉक्टर हुआ करता था 7-8 साल पहले, तो उसमें मैंने नहीं देखा कि कौन किस जाति का है, गरीब है, अमीर है, सबको एक साथ ले चलने की बात मैं करता था और अनुशासन उसमें बहुत ही अच्छा था। अच्छा, हम और डॉक्टर मदन मोहन लाल श्रीवास्तव जो तत्कालीन प्राचार्य थे, वो खुद अनुशासित थे और मुझसे कहा करते थे कि अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो कोई भी सृजन नहीं हो सकता। अच्छा, आज आप प्राचार्य के तौर पे पति प्राचार्य बन चुके हैं इस विद्यालय महाविद्यालय के, आपकी दायित्व तो और सारी चीज़ें और काफ़ी बढ़ गई थी, इससे क्या आप बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? ये सही है कि दायित्व तो काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन सही है काफ़ी बोझा तो है, बर्डन है, लेकिन मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि बोझा ज़्यादा से ज़्यादा हो, उससे एक सीख मिलती है कार्य करने की, उससे जंपिंग करने की सीख मिलती है और मैं इसे घबराता नहीं।
चलिए ठीक धन्यवाद।